जब हम आ, कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं सपोज के ए प्लस बी लिखते हैं तो ए प्लस बी में जब हम दरमियान में प्लस ऑपरेटर लिखते हैं तो बेसिकली हम इनफिक्स के फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं अगर हम इस ए प्लस बी को ए बी और प्लस को थोड़ा सा बाहर जो है ए और बी के बाद लिखें तो देन उसको हम पोस्ट फिक्स कहते हैं ये एक पॉलिश नोटेशन नोटेशन जो है कॉन्सेप्ट कहलाता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये पॉलिश नोटेशन हमें क्यों जरूरत पेश आती है इसकी वो इसलिए कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज कुछ इस फॉर्मेट में जो है ऑपरेट करता है तो जब कंप्यूटर ने ऑपरेट करना होता है तो उसको जो है हमारे जो लिखे हुए मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं जैसे कि हम लिखते होते हैं ए प्लस बी इंटू सी इंटू डी डिवाइड बाई जे प्लस डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस फॉर्मेट को कंप्यूटर नहीं समझ सकता कंप्यूटर जो है वो वन बाय वन ऑपरेंट्स को और साथ में उनके साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उनको गेट करता है सपोज के ए प्लस बी अगर आप करने लगे हैं तो ऑपरेटर्स पहले ए सॉरी ऑपरेंट्स जो है ए और फिर बी और जो उसके साथ जो ऑपरेशन करना है एडिशन का निशान प्लस का साइन देन उसको माइक्रोप्रोसेसर uh, अपने पास उठाते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो भी टास्क है एडिशन का सपोज के वो परफॉर्म करता ये uh, जो बेसिकली uh, कॉन्सेप्ट है इसको प्रोग्रामिंग में हाई लेवल लैंग्वेज में जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो स्टैक्स जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने डाटा स्ट्रक्चर का पढ़ा वो स्टैक हमारा बहुत ज़्यादा अहम करदार अदा करता है इन कन्वर्जन के एलगोदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा हुआ है कि एलगोदम एक मेथड को कहते हैं एक तरीक़ाकार को कहते हैं तो ये कन्वर्जन जो है ये भी एक टेक्निक है ये भी एक मेथड है इस मेथड को कंप्यूटर के जरिए से परफॉर्म कराने के लिए हमें जो स्टेप्स लिखने होते हैं जो स्टेप्स डिजाइन करने होते हैं उस स्टेप से रिलेटेड हमारी आज की डिस्कशन है और इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उन एग्जांपल्स को दो से तीन तरीके के साथ हम सॉल्व करना डिस्कस करेंगे तो टिपिकली रीड कर लेते हैं कि इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज इन द कन्वर्जन ऑफ एथमेटिक एक्सप्रेशन इन

या फिर C इंटू डी या फिर D डिवाइड बाई एट्सट्रा ये हमारे पास ऑपरेशन जो है अर्थमेटिक के होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं बट इन आवर यूजल फॉर्म एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ऑपरेटर तो लेकिन मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, हम इसे भी बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो कंप्यूटर के पास वो एक्सप्रेशन कुछ और अंदाज से जा रहे थे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दिस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कैन बी कन्वर्टेड इन टू पॉलिश नोटेशन यूजिंग स्टैक्स देन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन टू ऑपरेंट एंड ऑपरेटर फॉर्म तो ये बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन इक्वेशंस जो होती हैं वो हमारी दो दो ऑपरेटर्स सॉरी ऑपरेंट और एक ऑपरेटर के थ्रू फॉर्मेट में कन्वर्ट की जाती है और फिर कंप्यूटर को असाइन की जाती है मशीन लेवल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिस्कस करते हैं जी हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक जो कि मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया सपोज अगर कन्वर्जन से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स लिखें या एलगुदम लिखना चाहें तो ये आपके सामने है आप इसको एक नज़र देख लें और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर परफॉर्म करने के बाद एक्सप्लेन करूँगा कि एक अलगम जो होता है इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स का क्या होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वाल्व होते हैं अभी इसकी रीडिंग करना या इसको एक्सप्ल करना जो है वो मेरे लिहाज से फायदा मंद नहीं है क्योंकि वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पहले जो है मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ उसके बाद आप इस कन्वर्जन uh, के एल्गोरिथम को रीड करेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगी तो सिंपली है वैसे एल्गोरिथम लिखने का तरीका जो यही होता है कि एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में लिखें कि जी सपोज लेट एक्स इज एन एथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स नोटेशन दिस एलगम फाइंड अगर एक इनफिक्स जो है एक्सप्रेशन हो तो उसको कन्वर्ट करना हमें पोस्टिक्सप्रेशन uh, जो कि वाई है उसके अंदर है. तो कन्वर्जन के लिए हमें कुछ पुश एंड कुछ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं जैसे कि स्टैग के ऊपर हम करते होते थे और स्टैग के एम्पटी होना या स्टैग के अंदर कुछ एलिमेंट्स का होना उससे रिलेटेड भी कुछ डिसीजन होते हैं ये आगे मैं एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी इनशाला सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जी ए प्लस बी डिवाइड बाय डी ये हमारा एक टिपिकल जैसे हम इनफिक्स ऑपरेशन एक्सप्रेशन लिखा करते हैं वो फॉर्मेट है लेफ्ट साइड से जो राइट right साइड पे है हमारे पास लिखा हुआ ये बेसिकली उसका कन्वर्जन है ये कन्वर्जन कैसे होती है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि जो आपके सपोज के फॉर्मेट में लिखे हुए आपने इनका ऑपरेटर उठाना है जैसे कि हमारा प्लस का साइन है उसको उठाना है वो उठा के ए और बी के बाद लिख देना है जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ए लिखा बी लिखा उसके बाद एडिशन लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि ये जो एडिशन साइन है ये बेसिकली ए बी प्लस बी नहीं है दोस्तों ये ए बी प्लस इसको हम रीड करेंगे ए बी प्लस ए बी एडिशन तो ए बी के बाद जो एडिशन लिखा हुआ है, फिलहाल आप डी और स्लैश uh, जो है इसको भूल जाए फिलहाल इसको डिस्कस हूं मैं ए बी प्लस इसका मतलब यह है ए और बी दोनों का एडिशन कर दिया जाए अच्छा अब ए और बी का जो एडिशन कर दिया जाएगा उसके बाद आपने जो रिजल्ट आपके पास आएगा उस रिजल्ट के साथ डी को मिला के डिवाइड करते मीन के रिजल्ट एंड डी देन डिवाइड मीन के ए बी प्लस का आंसर डिवाइड बाय डी तो यह हमारा तरीकाकार है नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं कि ए प्लस बी डिवाइड डी प्लस ई तो आप इसको लिखेंगे ए बी प्लस डी ई प्लस इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उन दोनों रिजल्ट्स को आपस में डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड का ऑपरेशन क्योंकि सबसे बाद में होना है तो हमने उसको एंड पे स्लैश को रख दिया है तो कंप्यूटर हमेशा इस फॉर्मेट में समझता है कि उसके पास एक वेरिएबल आएगा ए फिर एक वेरिएबल आएगा बी मीन के एक नंबर आएगा ए का और फिर बी का नंबर आएगा उन दोनों के ऊपर करना क्या है उसने उसने एडिशन कर देना है फिर उसके बाद उसके बाद उसके पास आएगा जी डी आएगा देन ई e आएगा उन दोनों की वैल्यूज को वो ऐड add करेगा एडिशन ऑपरेटर के जरिए से फिर दोनों जो रिजल्ट उसने कैलकुलेट करके रख लिए होंगे उनके पास उनके बाद जो डिवाइड का साइन आएगा तो उन दोनों रिजल्ट पे वो डिवीजन की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो रिजल्ट फाइंड करेगा सेम अगर इस नेक्स्ट uh, एग्जांपल देखें ए माइनस बी स्लैश डी प्लस ई इन टू स्लैश ए प्लस बी अब आप इसमें देखें कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ए बी सी लिख दिया गया नहीं ऐसा नहीं है सबसे पहले लिखा गया है बी और सी को इकट्ठे बी और सी को कटे लिख के हमने डाल दिया स्लैश के बी सी स्लैश के बी और डी का डिवीजन लिया जाए और जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को जो है माइनस किया जाए किस में से ए में से तो जब इस तरीके से लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि बी सी का जो आंसर है बी सी के डिवीजन का जो आंसर है उसको ए में से माइनस किया जाए इस चीज को लिखने का तरीका या कंप्यूटर को बताने का तरीका है के ए बी स्लैश माइनस उसके बाद प्लस ई e जो है उसको हम लिखेंगे जी इन तीनों की एक्टिविटी सबसे पहले डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा देन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ई e को ऐड किया जाएगा ई e को प्लस किया जाएगा तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा उसके बाद ए प्लस बी का जो एक्सप्रेशन है उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि ए बी प्लस यानी कि ए बी का आंसर जब ए बी का आंसर निकल आएगा तो उस आंसर को डिवाइड किया जाएगा किससे जो पहले से हमने ए बी सी और ई e से रिलेटेड जो आंसर हमने रिजल्ट फाइंड किया था तो ये बेसिकली इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का तरीका कार है और इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी तो ये दो चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका थोड़ा सा चेंज होगा सबसे पहले क्या करेंगे हम बी प्लस सी इसका हम लिखेंगे बी सी प्लस तो बी सी का जो है एडिशन कैलकुलेट होगा उस एडिशन के कैलकुलेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ तो हमेशा याद रखें ये जो ऑपरेटर हैं ये हमेशा ऑपरेंट्स जो कि ए बी सी या नंबर्स होते हैं उसके बाद लिखा जाएगा जब ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद एंड पे हम उसको डिवाइड बाय डी कर देंगे डी लिख के डिवाइड को हम बाद में लिखेंगे तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसकी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की एग्जाम्पल समझ आए, आ चुकी होंगी मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सपोज जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो स्टैक हमारी कैसे मदद कर रहा होता है हमारा एक्सप्रेशन है जी ए प्लस बी ए प्लस बी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ए बी प्लस के अंदर ए ऑपरेंट हम भेजते हैं के पास, फिर बी ऑपरेंट भेजते हैं उसके बाद उन दोनों पे होने वाले ऑपरेशन एडिशन को भेजते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले ए गया उसके बाद जो प्लस का साइन है उसको उठा के स्टैक के अंदर डाल दिया जाता है स्टैक मेमोरी के अंदर प्लस के साइन को डाल दिया जाता है फिर उसके बाद बी को लिया जाता है और उन दोनों को आउटपुट प्रॉपर जो उनकी रख के रिजल्ट रख के एडिशन का साइन उसके बाद पुट किया जाता है ऑपरेशन जो है एडिशन का उन परफॉर्म किया जाता है एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे पहले ए को रखेंगे देन बी को रखेंगे उसके बाद एडिशन के साइन को रखेंगे तो ये स्टैक बेसिकली रियल में कंप्यूटर uh, साइड या मशीन साइड पे जो रीडेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा नॉर्मली अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में कह दिया जाए कि ये एक एक्सप्रेशन है और इसको कन्वर्ट करके एक सॉफ्टवेयर बना के दे हमें जो एक्सप्रेशन जो है हम इनफिक्स में लिखे तो वो उस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स पे लिख के दिखा दे तो उसके लिख के दिखाने में कोई रियल टाइम पे एडिशन डिवीजन नहीं कर रहा होगा वो जस्ट कन्वर्ट करके दिखा रहा होगा उस कन्वर्जन के जो डिस्प्ले के लिए जो स्टैक यूज़ करेंगे उसकी एक्टिविटी कुछ ऐसे होगी कि उसमें रियल टाइम पे एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा वहाँ पर सिर्फ आप क्या करेंगे जो ऑपरेंट ऑपरेंट्स हैं ए और बी वगैरह हैं उनको एज इट इज़ साथ आप डिस्प्ले करते जाएंगे और जो उनके नंबर हैं सॉरी ऑपरेटर्स हैं लाइक एडिशन का जैसे यहाँ पे ऑपरेटर है उसको आप उन दोनों के ऑपरेंट के डिस्प्ले करने के बाद डिस्प्ले करेंगे इस एग्जांपल जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस एग्जांपल के बाद एक और समराइज तरीका है जो कि टेबल बना के विद इन मिनट जो है आप सीख सकते हैं कि कैसे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो इस लेक्चर के एंड पे है तो अभी इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं कि सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि जी ए प्लस बी टू सी माइनस डी ये इनफिक्स स्ट्रिंग है अब ये स्ट्रिंग क्यों यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि हमने इसको रियल टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी मशीन लेवल पे जाके जो करनी होती है उसको हम यहाँ पे फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट कन्वर्जन जो है करके दिखाने के लिए हम स्टैक को यूज कर रहे हैं कि हम एक इनिशियल uh, वैल्यूज लें और उसको कैसे कन्वर्ट करके पोस्ट फिक्स में दिखा सकें सिर्फ वैल्यूज को लेना है और उसको उसकी शक्ल या फॉर्मेट चेंज करके दिखाना है तो उसके लिए हमें स्टैग कैसे हेल्प करता है सबसे पहले क्या होता है कि जी सपोज कि इसका आंसर है जी पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग ए बी मल्टीप्लाई एडिशन डी माइनस ये इसका आंसर है ये कैसे आंसर कैलकुलेट हुआ सबसे पहले हम जो स्टेप परफॉर्म करेंगे वो बी मल्टीप्लाई बाई सी जो है उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे जो बी मल्टीप्लाई बाई सी विल बी कन्वर्टेड इन टू बी सी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लीकेशन जो साइन है पहले इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि इस बी सी मल्टीप्लाई जो बन गया हमारा उसके साथ एडिशन करने हमने ए को तो जब हम ए को एडिशन करने के लिए टास्क uh, परफॉर्म करेंगे तो वो हमें रिजल्ट देगा ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस ये हमें आंसर देगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी है हमारे पास डी रह गया बाकी तो इस एक्सप्रेशन ये जो हमने एक्सप्रेशन एक कैलकुलेट uh, कर लिया पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लिया इस एक्सप्रेशन के साथ हमने डी को भी साथ में सब्ट्रैक्ट है तो इस एक्सप्रेशन को लिख के साथ में माइनस डी जो लिखेंगे तो वो कन्वर्ट हो के हमारे पास ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी और जो उनके साथ जो परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन माइनस है उसको हम एंड पे रख देंगे तो ये दो पार्ट्स इसको कंसीडर करें ए बी सी मल्टीप्लाई एडिशन और दूसरा पार्ट जो है डी ये दोनों के ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है माइनस वाला तो ये जो है इनफिक्स स्ट्रिंग को हमने पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप्स परफॉर्म करने वो आपके सामने हैं दोस्तों ये जस्ट हमने इनफिक्स से पोस्ट स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है नॉट अ कैलकुलेशन कन्वर्जन यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रही यहाँ पे कोई नंबर एक्स के साथ हमने कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी ये सिर्फ सिर्फ हमने स्ट्रिंग वैल्यू करेक्टर वैल्यूज को कन्वर्ट करके सिर्फ इन फिक्स से पोस्ट फिक्स वाली शक्ल बनानी है तो उसके लिए स्टैक हमें कैसे हेल्प कर रहा है मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताता हूँ इनिशियली स्टैक एम्पटी होगा एंड आवर पोस्ट बना तो जब फर्स्ट करेक्टर स्कैन होगा फर्स्ट करेक्टर हमारा है जी ए ए जो ही स्कैन होगा हम इसको पोस्ट फिक्स में ऐड कर देंगे आते ही हमारे पास पहला पहला ऑपरेंट जो था वो ए था ए को हमने कह दिया कि एज इट इज ये कन्वर्ट हो गया जी स्ट्रिंग में उसको आउटपुट वाली साइड पे रख देंगे उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आएगा जी एडिशन का आ गया एडिशन को हम एज इट इज आउटपुट साइड पे रिजल्ट साइड पे नहीं लेके जा सकते इसको पहले हम रखेंगे स्टैक के अंदर क्योंकि हमने इसको बी के बाद जाके लिखना है तो इट बींग एन ऑपरेटर इट इज पुस्ट टू स्टैक इसको स्टैक के अंदर रख देंगे ए जो है ये आउटपुट साइड पे रिजल्ट साइड पे चला गया है पोस्ट फिक्स है और एडिशन जो है वो स्टैक के अंदर आ गया है ये ग्रीन कलर का स्टैक समझ लें और ये जो ब्राउन कलर का है ये हमारी आउटपुट पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग समझ लें देन उसके बाद हमारे पास अ आएगा जी नेक्स्ट करेक्टर बी बी को एज इट इज हम आउटपुट स्ट्रिंग वाली साइड पे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग वाली साइड पे ले जाएंगे और नेक्स्ट करेक्टर आएगा मल्टीप्लीकेशन का विच इज एन ऑपरेटर नाउ द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज एडिशन विच लोअर प्रेसिडेंस दोस्तों precedence का आपको आ, जो है मैट्रिक की बुक्स में मैथमेटिक्स वगैरह में अक्सर समझाया गया होगा कि जी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है मल्टीप्लीकेशन की या प्लस की एडिशन की या डिवीजन की या की, किस की प्रेसिडेंस ज्यादा है वो आप लोग जो है एक दफ़ा रिव्यू कर लें प्रेसिडेंस का रूल्स और यहाँ पे फिलहाल मैं आपको इतना बता दूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है एडिशन की नस्बत तो इसलिए क्या होगा सो द मल्टीप्लिकेशन विल बी पोस्ट टू स्टैक तो स्टैक के ऊपर मल्टीप्लीकेशन को पुट किया जाएगा और और नेक्स्ट क्या होगा ए भी आप देख रहे हैं कि आउटपुट स्ट्रिंग पे आ गया आउटपुट साइड पे रिजल्ट साइड पे आ गया और प्लस का साइन और मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टैक के ऊपर चला गया नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट करेक्टर इज सी विच इज प्लेस इन द पोस्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट करेक्टर स्कैंड इज माइनस द टॉप मोस्ट करेक्टर इन द स्टैक इज मल्टीप्लीकेशन विच हैज हायर प्रेसिडेंस देन सब्ट्रैक्शन तो हम क्या करेंगे जो हाई हायर प्रेसिडेंस वाला है उसको बाहर निकालेंगे और फिर माइनस को हम आ, रख देंगे तो क्या हुआ कि जी हमने मल्टीप्लिकेशन को बाहर निकाल लिया सी को प्लेस करने के बाद फिर एडिशन को प्लेस कर दिया उसके बाद जो माइनस सप्रैक्शन था उसको स्टैक के अंदर हमने रख दिया तो उसके बाद नेक्स्ट है जी डी डी को हम कैसे शो करेंगे नेक्स्ट करेक्टर डी विच इज एड टू पोस्टिक स्ट्रिंग डी को ऐड किया जाएगा और उसके बाद सबसे एंड पे जो सब्ट्रैक्शन हमने स्टैक में रखा हुआ था उसको हम स्ट्रिंग के डिस्प्ले साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट प्रॉपर ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी और फिर एंड पे माइनस सब्टन का साइन आएगा यह हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा और इसमें हमें स्टैक बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है कन्वर्जन करने में दोस्तों हम आते हैं बिल्कुल आसान एक उसके सॉल्यूशन की तरफ कि अगर हमारे पास कोई इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करनी पड़े और उसको आसान तरीके से कैसे लिखा जाए जो कि स्टैक की हेल्प से हम आउटपुट uh, कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है ए प्लस इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी तो इसको हम आसान uh, तरीके से कैसे रखेंगे कि एक साइड पे आप करेक्टर लिखते जाएं, एक साइड पे स्टैक लिख दें और एक कॉलम में हम आउटपुट लिख दें तो आउटपुट कैसे बनेगी सबसे पहले क्या होगा कि पहला पहला करेक्टर रीड किया जाएगा जो कि ए है स्टैक उस टाइम एमपटी रहेगा ए जो है एज इट इज आउटपुट साइड पर चला जाएगा उसके बाद आया जी एडिशन का साइन एडिशन का साइन उसको हम आउटपुट साइड पर नहीं लेके जाएंगे उसको हम स्टैक के अंदर स्टोर कर देंगे स्टैक के अंदर जाएगा देन उसके बाद स्मॉल uh, ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं ये ब्रेसिस आएंगे इसके आते ही इसको हम स्टैक uh, के अंदर रखेंगे प्लस के बाद और आउटपुट हम हमारे पास अभी भी ए ही रहेगी देन उसके बाद बी मल्टीप्लाई बाय सी तो बी जो है हमारे पास करेक्टर है इस करेक्टर को उठा के हम आउटपुट साइड पे ले जाएंगे ये बन जाएगा हमारा ए और बी कटे और एडिशन और जो ब्रैकेट है वो हमारी अभी भी स्टैक के अंदर है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑपरेटर आया उस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम प्लस और ब्रैकेट के साथ में स्टैक के अंदर पुट कर देंगे और आउटपुट अभी भी हमारे पास ए और बी है देन हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर आया सी सी का हमने क्या करने के डायरेक्ट उसको आउटपुट साइड पे ले जाएंगे दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमेशा करेक्टर्स जो है उसने स्टैक के अंदर नहीं जाना करेक्टर्स ने डायरेक्ट आउटपुट साइड पे आउटपुट वाले कॉलम पे जाना है और जो ऑपरेंट और ऑपरेटर्स वगैरह सॉरी ऑपरेटर्स जो है हमारे ओनली ऑपरेटर्स विल बी इन द स्टैक नेक्स्ट जो दु हमारा जो है एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ कल ब्रैकेट क्लोज हुई सॉरी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुई उसके बाद हमने क्या करना है कि जितने भी आ, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनको वन बाय वन जो है उनकी प्रेसिडेंस को जहन में रखते हुए आउटपुट साइड पे लेके जाना है तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस किसकी है मल्टीप्लीकेशन की तो हमने बी और सी के बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन पुट कर दिया उसके बाद हमने इस जो स्मॉल ब्रैकेट होती है इसका पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट्स की एक्टिविटी या ब्रैकेट्स को लिखा नहीं जाता तो ब्रैकेट्स को हम कैंसिल कर देंगे उसके बाद जो एडिशन का ऑपरेटर है साइन है इस साइन को ए बी सी मल्टीप्लाई के बाद प्लेस कर देंगे तो ये हमारा एक शॉर्टकट uh, मेथड था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का तो दोस्तों आई uh, होप के आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन जो है uh, समझ आ गई होगी ये जो कंप्लीट एक मेथड था इस मेथड के जरिए से हम Uh, कन्वर्जन किया, uh, किया करते हैं जो कि इन फिक्सो फिक्स की जाती है स्टैक की मदद से तो दोस्तों अब आपको कन्वर्जन का जो एल्बम है वो आसानी से समझ आ चुका होगा और उसमें आपको ये भी आइडिया गया कि कैसे स्टैक हमें हेल्प कर रहा तो uh, है तो स्टैक मेमोरी जो डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक उसको कहाँ कहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है कैसे यूज़ किया जाता है उसमें एक ये भी हमने स्टडी कर लिया तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने के लिए और नेक्स्ट लेक्चर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकॉन को क्लिक कर सके कर दें ताकि आपको नए आने वाले ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू अल्लाह हाफिज़